कबड्डी 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 हो रही थी इंतजार पल उखड़ी आ गई है। टीम भोपा मैदान में प्रवेश करती हुई जिस पल के भी समय इंतजार वो पल उखड़ी वो समय आ चुकी है। रेडी और ये फाइनल मुकाबले का पहला रे छोटे भोपाल की ओर से ओ लायन जंप अभी तो ये आवाज है प्रधान जी देखना होगा क्या पिछले साल जिस अंजाम तक पहुंचाया था वो अंजाम हो पाएगा या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल खाता खुल चुके हैं आरसीसी भोपाल प्रस्योटर पाजी छा गए सुखविंदर पाजी काठी दुर्गेश नेता जो कि प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं जसिन कुमार छह कभी लेफ्ट कभी राइट देखना होगा टू आर टाई और जबरदस्त जी हम कहते हैं इधर बरखा जी जाना बिलासपुर दो आरसीसी भोपाल चार कस्में वादे जारी दो चार दुर्गेश नेता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पिछले साल का जो इतिहास है उस इतिहास को दोहराना चाहेंगे दुर्गेश नेता बिलासपुर दो आरसीसी भोपाल चार जर्सी नंबर छह रेड करते हुए फाइनल मुकाबला इस खिलाड़ी का कमाल ही करते हैं प्रधान जी जर्सी नंबर सिक्स भोपाल की ओर से लेकिन अभी कुछ कर गुजरना है दुर्गेश नेता को पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था लंबा कद्दा दुर्गेश तीन पांच बिलासपुर तीन आरसीसी भोपाल पांच मुकाबला काफी
सशक्त और मजबूत गुड एंड फाइन। एक बार फिर से दुर्गेश नेताम, लेकिन जिस दुर्गेश नेताम को हम जानते हैं, यहाँ के दर्शक जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ जानते हैं, अभी तक वो टच में फिलहाल ये शुरुआती लम्हा है। पांच पांच, तुम भी पांच और हम भी पांच, जर्सी नंबर छह। बोनस पॉइंट मिलता हुआ आरसीसी भोपाल को, आरसीसी भोपाल छह बिलासपुर पांच। इस तरह के टेकल कभी भी आसान नहीं होगा जब रेड में दुर्गेश नेताम हो। छह छह और जर्सी नंबर छह, क्या संयोग है। एक बार फिर से एक अंक की बढ़त भोपाल के पास। 33 दुर्गेश नेता, एक एक पॉइंट के लिए कसमकस चलता हुआ दोनों टीम की ओर से। जद्दोजहद जारी, मेगा फाइनल मुकाबला चरम सीमा पर। 2 पॉइंट, लेकिन अब बढ़ना 3 अंकों के साथ। जब जब दुर्गेश नेताम आते हैं तो कुछ न कुछ अवश्य होता है। पाली का किया, चंग के बदला लिया दुर्गेश नेताम ने, पाली को बाहर किया। और एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान। और ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त टेकल बिलासपुर की ओर से, वापसी की बिगुल बजाती हुई बिलासपुर। जी हां दर्शक बंधु, कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्गेश नेताम के हाथ और पांव दोनों लंबे हैं, जिसने आज तक किसी भी रेडर और किसी भी डिफेंडर को नहीं छोड़ा है। बिलासपुर 8, भोपाल 9, महज 1 अंक का फासला। एक अंकों की बढ़त लेती हुई बिलासपुर भोपाल, जबरदस्त किक देखने को मिलता हुआ, लेकिन बिलासपुर के द्वारा। एक बार फिर से स्कोर बोर्ड की ओर देखिए। 9-9, तुम भी 9 और हम भी 9, सुपर टेकल। में आते हुए सभी दर्शक, 9-9 की स्थिति है, जरा शोर शराबा होनी चाहिए। मुकाबला कुछ भी हो सकता है, कभी पड़ला इधर तो कभी पड़ला उधर। जी हाँ, समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव, कभी
बढ़ा बिलासपुर के पास तो कभी बढ़ा। सुपर टैकल ऑन और डू आर डाई, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। इसी जंप का इंतजार था दर्शक बंधुओं को। अब एक अंक की बढ़त बिलासपुर के पास। क्या यहां से ऑल आउट दे पाएंगे बिलासपुर, ये देखने वाली बात। लेकिन कॉर्नर को टच किया। जी हार आसानी से हार मानने वालों से नहीं। दस दस ताली बनता है यार। छोटा कला बहुत ही जबरदस्त रेड पॉइंट यहां पर हासिल करते हुए दुर्गेश नेताओं बिलासपुर की आन बान और शान। दुर्गेश नेताओं 11-10 दर्शकों में शोर शराबा शुरू हो गया है। ये कबड्डी जोश और जुनून का खेल है। फिर से सबके चेहरे बिलास की आन बात और सात दुर्गेश नेता और किक लगाना चाहा। यहाँ पे ललचा रहे हैं। प्रो कबड्डी से जो अनुभव मिला है उसका पूरा फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम आउट। ऐसे ही मजबूत फौलादी रनों के साथ दोनों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष और एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए 15-10 पांच अंकों की बढ़त बिलासपुर के साथ। और ये बुरे डर है, कभी भी मैच की रुख बदल सकते हैं। स्पीड है इनके पास, फोर्स है, काफी डीप में जाकर किक। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। फाइनल मुकाबला एक तरफा होता है, लेकिन आज एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा। ये तमाम दर्शक बंधुओं की भविष्यवाणी सुनने को मिलती हुई। गत वर्ष के फाइनल को दोहराते हुए ये हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि फाइनल जिस तरह से गत वर्ष इन्हीं दोनों टीमों के मध्य हुई थी, लेकिन जो टक्कर आज दानी और दो आर दाई प्रधान जी, जो टक्कर हमें पाली और दुर्गेश के बीच देखने को मिलने वाला था, अभी तक दुर्गेश भारी नजर आए हैं पाली के ऊपर। पाली का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है रेड के लिए और दुर्गेश अपना काम बखूबी निभाते हैं। 11-17 छह पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार। काफी लंबा कद काठी था। सत्रह 11 जैसे नंबर 6 यही वो रेडर है जब कहानी तमाम कर सकते हैं। काफी डीप में जाकर और धीरे धीरे बिलासपुर की टीम हावी होता हुआ
भोपाल के ऊपर। अभी भी खामोश बैठे हुए हैं पाली और वो भी कोर्ट के बाहर। अब तक जो डिफेंस देखने को मिली है बिलासपुर की, काफी सशक्त और मजबूत, रेड में पॉइंट, डिफेंस में पॉइंट, इसलिए 7 अंकों की बढ़त उनके पास। बिलासपुर 11 भोपाल, 7 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त अभी तक के खेल में अगर बात की जाए तो। और थर्ड रेड डू आर डाई, आज पूरा दरमदार दुर्गेश नेताम के कंधों पर, क्या पिछले साल की तरह एक बार फिर से चैंपियन बना पाएंगे अपनी टीम को, यह सबसे बड़ा सवाल। तो लंबा हाथ है, उससे बचना मुश्किल हो रहा है भोपाल के डिफेंडरों को, और पता ही नहीं चला हाफ टाइम की बिजली बच गई। पारा रसोईया रस घोल रहे हैं, रसोईया रस घोल रहे हैं, आलू बरबट्टी और भाटा झोल। मुकाबला खेला जा रहा है बिलासपुर विरुद्ध, और दर्शकों की एक ही पुकार दुर्गेश नेता अभी भी लीड कर रही है 7 अंकों से, निश्चित रूप से एक अकेला सब पर भारी, एक तरफ बिलासपुर या दूसरी तरफ भोपाल। लगातार वही गेंदर और सारी जिम्मेदारी इस खिलाड़ी पर। सोचने से काम मिलते हैं, तमन्नाओं के साथ चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। निश्चित रूप से कुछ कर गुजरना होगा इस मुकाबले में अगर विजय सिंह प्राप्त करनी चाहते हैं, क्योंकि ये है खिताबी मुकाबला। और स्वेत बोनस के साथ इस फासले को कम करने का प्रयास, 19-13 6 अंकों का फासला अभी बरकरार, और सबसे यही खिलाड़ी हारे नहीं मानूंगा, रारे नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत ले गाता हूँ, गीत ले गाता हूँ, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन एक इतिहास लिखता हुआ ये खिलाड़ी। दावा ठोका है लाभी में गए, आज 7वें के जगह 14वें स्थान आज मनोबल लिखता हुआ बिलासपुर। दो दहाई का मैच होती हुई और एक परचेस नंबर 4 भोपाल की ओर से। जर्सी नंबर 4 लगातार क्या कर पाएंगे वार, क्या कर पाएंगे प्रहार। जी नहीं, कबड्डी कबड्डी बोला और डिफेंस ने पटक डाला। आप आए हो हमारे पाले में, हमसे लेनी होगी इजाजत, क्योंकि हम है एक्सपर्ट और हम पटकना है हमारी आदत। बिलासपुर 21 RCC भोपाल 13। अभी भी मुकाबला केवल 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद, निश्चित रूप से कदमों को रोक ना पाएगी मुसीबतों की जंजीरें, रास्तों से कहते मैं भटका नहीं हूं मैं। 21-13 की स्थिति अभी बना हुआ, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, एक अकेला सब पर भारी पड़ता हुआ। निश्चित रूप से विपत्ति जब आती है कैरों को भी नहराती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक पल नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। निश्चित रूप से क्या राह बना पाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और पूरी टीम का सामूहिक प्रयास, सफल प्रयास, अंक मिलता हुआ, बोनस मिला जरूर, 1+2 3 पॉइंट मैच ऑल आउट होती हुई टीम भोपाल। स्कोर बोर्ड देखिए तब्दील होता हुआ, RCC भोपाल 14 बिलासपुर 25। स्वागत है जी, हाँ 11 अंकों की बढ़त बना चुकी है बिलासपुर, धीरे धीरे अंकों का फासला बढ़ता हुआ, कब मैच का रुख पलट गया किसी पता नहीं चला, और पाली बिल्कुल खामोश जिसके लिए जाने जाते हैं। अब कुछ करना है तो बाली को होगा,
नंबर वन आउट पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर को। जी हाँ, दोनों ही टीमें बहुत ही अनुशासित टीम होने का परिचय दे रही है और समय और अनुशासन का जो पालन करता है वही इस दुनिया में महान होता है। और कहा भी जाता है, अनुशासन और समय को जो अनदेखा करता है उसे कटना पड़ा है। अगर बच गया तलवार से बहुत ही अनुशासित टीम, निश्चित रूप से ऐसे ही एक अनुशासित टीम जब बड़े बड़े मैचों में खेलती है तो उस मुकाबले का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन अब धीरे धीरे इस मुकाबले को अपने नाम करने का प्रयास कर रही है टीम बिलासपुर। और कहा भी गया है, नित जीवन के संघर्षों से टूट चुका जब अंतर मन सूखे हुए समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बोनस प्लस पॉइंट, फसल सूख जाए जल के बिन, जब तिनका बिखर जाए बाद में हुई बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिलासपुर 28, आरसीसी भोपाल 16। तभी भी महत्वपूर्ण बात न बचा बोनस प्लस टू यानी कि सुपर रेट। अट्ठाईस 19 दर्शकों की जोर साफ रखते हुए, जब जब ये रेडी की जगह और ये देखिए जहाँ का भी खतरा बन रहा था उसी वक्त पर काला बादल बन रहा था और ये बाली का ढाल कर दिया कमाल। बाली का बल यहाँ साफ दिखता हुआ, बिलासपुर 28 आरसीसी भोपाल 21, फासला मात्र 7 अंकों का। कभी भी मैच की दिशा बदल सकती है प्रधान सर जी। जी हाँ, बाली में वो माजदा है, वो ताकत है, कभी भी मैच की रूप बदल सकते हैं। लेकिन पता नहीं रणनीति अपना इतनी देर तक खामोश रखा था। काफी रोमांचक मुकाबले होने की आसार है। बिलासपुर 28 और सचिव भोपाल 22, फासला मात्र 6 अंकों का। फासला है 6 और भारत माता की जय। और यहाँ पे ऑल आउट देखिए 25-28 और हमारे पास 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड में हम कहना चाहेंगे, घर में पत्नियां कह रही थी कि अब कहाँ जा रहे हो, तो हमारा जवाब था बारिश बोल। दर्शक अभी भी बने हुए हैं, उनका प्यार साफ दिख रहा है। मैं आप सभी दर्शक बंधुओं के लिए कहना चाहूंगा, अजी प्यार प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, वीराने को गुलिस्तान बना देती है। अरे मैं आप भी दिखाता हूँ, गैरों की नहीं, प्यार इंसान को भगवान बना देती है, प्यार इंसान को भगवान बना देती है। निश्चित रूप से लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अपना समय दिया है। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, अजी मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, सच्चे रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। अरे यूं तो मिल जाते हैं कई लोग इस जिंदगी की राहों में, लेकिन हर कोई आपसे अनमोल नहीं होता, आपसे अनमोल नहीं होता। बहुत सुंदर प्रमित जी, राजा ने कौन सा डिक्शनरी आज खोल के रखे हैं आप। और यहाँ पे कस्मे वादे, यहाँ निश्चित रूप से कस्मे और वादों का दौर चलता हुआ। बिलासपुर 28 भोपाल 25, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं और बातों का क्या। वाह वाह, महज 3 अंकों का फासला सबसे दुर्देश नेताओं को रोका गया, वहां से कुछ वापसी करती हुई रूपा। और नीचे फिर से बोनस अंक जुड़ता हुआ और फासला फिर से अपना अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होता हुआ। 4 अंकों की बढ़त बना चुकी है बिलासपुर।
यहां से भोपाल एक्सप्रेस को गियर बदलना होगा। होली जी लगातार वही दुर्गेश नेता प्रवीण जी, देखिए बार बार एक ही रेडर का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक सही रणनीति है। वो निकल रहे हैं, वो पॉइंट ला रहे हैं और वहां पे बालिश को खामोश रखा गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से तुरुप का एक कार साबित होते हुए अपनी टीम का बालिश चोट पर सार रूपी इस तरह से रखना आसान नहीं। बोनस प्लस पॉइंट जी हाँ, मल्टीपल पॉइंट के साथ धीरे धीरे अब एक एक अंकों का फासला भी भोपाल के लिए खाई का रूप लेने वाला है। अब 7 अंकों की बढ़त बना चुकी है बिलासपुर। एक नए दर्शकों की डिमांड बाली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि बाली अगर निकल जाते हैं मल्टी पॉइंट के साथ तो वापसी हो सकती है। ऐसा ना हो कि बाली देखते ही रह जाए और कहानी खत्म हो जाए। जी हाँ, निश्चित रूप से दुर्गेश मानव कमाल है, लेकिन बाली का ढाल बेमिसाल है। अब दिखाना होगा बेमिसाल भरा खेल और कमाल का कारनामा करना होगा, क्योंकि यहाँ से हार का सामना आपको खिताबी जंग से बाहर कर देगी। इनामी जंग अभी भी जारी है, खिताबी जंग कौन होगा इस वर्ष का नया चैंपियन देखना काफी दिलचस्प होगा। जब जब पहले मैदान के अंदर आते हैं तो खलबली मचा जाते हैं। अंतिम 5 मिनट से बोनस पॉइंट भोपाल, बोनस 1-1 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊस चाटने से प्यास नहीं बुझती, चूहे की खाल से नगाड़ा नहीं सजाया जाता, तिल का कभी ताड़ नहीं बनता, रुई का कभी पहाड़ नहीं बनता। मल्टी पॉइंट की जरूरत भोपाल को। बाली मजा दिए हैं खलबली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो रामायण से बाली सीधा परस को ला गए। आज बाली को अपना बल दिखाना होगा, लेकिन 10 मिनट अंतिम 4 मिनट शेष अंपायर का निर्देश और जब ये है कबड्डी का रोमांच, खाली हाथ नहीं आ सकते, निश्चित रूप से टच पॉइंट लाना होगा। कवर होकर लॉबी में गए, रेडर आउट करार दिया गया है। निर्णय का निर्णय सर्वमान्य होगा। बत्तीस 27 5 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार है प्रवीण जी। निश्चित रूप से समय काफी बचा हुआ है और मुकाबले में कभी भी वापसी की जा सकती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और इसमें बेहतरीन संजय शक्ति कलयुग अंक मिलता हुआ शानदार प्रयास, सफल प्रयास, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एंड वक्त टीम का सपोर्ट आया, मोमेंटम टूटा और बाहर जाना होगा। बाहर जाओ, आराम फरमाओ। बिलासपुर 33 भोपाल 27। दुर्गेश नेताम को अगर डिफेंस कर लेते हैं तो कहानी में कुछ बदलाव आ सकता है, समीकरण बदल सकता है, अन्यथा ये मुकाबला उस मुकाम तक जाने वाला है। दहशत का दूसरा नाम दुर्गेश नेताम। और ये देखिए दर्शकों में फिर से जोश, बिलासपुर 35 भोपाल 27।
27, बिलासपुर 35, भोपाल 27। और कॉर्नर को टच किया बॉली ने, बॉली का बल दिख रहा है। जी हाँ, पूरा हो रहा है हर कामना, पूरा होगा हर ख्वाहिश। बिलासपुर 35, भोपाल 28। अब सात मौके बढ़ाते लगभग 2 मिनट का खेल से, और इस तरह एडवांस टेकर से बचना होगा। दुर्गेश को ऐसे अभी रख सकते हैं। अंतिम 2 मिनट का शेष खेल शेष है, और रेड पर है पानी, बचाना होगा खलबली। पाली को कुछ करिश्मा करना होगा, बोनस से काम नहीं चलेगा। पाली में वो ताकत है, वो मानता है, उन्हें मल्टी पॉइंट लेना चाहिए, बोनस तो नहीं कर सकते। सुपर टैकल ऑन। अब मात्र 20 सेकंड। निश्चित रूप से आप बोलते रहिए, आपको सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। मैं साधारण सौंपता हूँ, माइक सौंपता हूँ, वही सर। अंतिम मिनट का खेल जारी। बोनस पॉइंट, बोनस बोनस पॉइंट मिलता है। 29-36 दोनों विकेटों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, और किसी ने क्या खूब कहा है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य मन पर जो पद मिला ये भी सही, हो भी सही, जीत भी सही, हार भी सही। निश्चित रूप से हार और जीत में, हार और जीत का खेल है, लेकिन खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, वो कभी हारता नहीं है। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन जब दौर बदला है तो समय में भी बदलाव आ रहा है। पहले अभी कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमें मिल चुका है इस वर्ष का नया चैंपियन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।